नमस्कार, राजस्थान पत्रिका के फेसबुक यूजर्स का एक बार फिर आपका स्वागत है फेसबुक लाइव पर। आज जैसा कि हम हमेशा बताते हैं कि हम एक ऐसे टैलेंट से आपको रूबरू करवाते हैं जो अपकमिंग है, जो अपने मुकाम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और एक बहुत प्रतिभाशाली हैं। तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं म्यूजिक के एक्सपर्ट जो शास्त्रीय संगीत गाते हैं, डिवोशनल सॉन्ग्स गाते हैं, जाने माने सिंगर बनने की राह में हैं। मेरे साथ हैं यंग सिंगर राकेश शर्मा अजान जी। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है फेसबुक लाइव पर राजस्थान पत्रिका के। थैंक यू। सबसे पहले जानना चाहेंगे, अजान आपने लिख रखा है, राकेश शर्मा अजान, अजान कहाँ से जुड़ा हुआ है नाम और किस तरह से, आपका थोड़ा सा बताइए। अजान एक्चुअली हम बचपन से हमने गाना शुरू किया था, तो हमारा गांव बहुत कोई स्टेब्लिश गांव नहीं, बहुत छोटा सा गांव है, तो जैसे भी राकेश शर्मा नाम के बहुत होते, तो तब से मेरे नाम से अजान, भाई राकेश कौन, वो अजान का अजान, राकेश अजान ऐसे लगना शुरू हो गया जब से कैरियर शुरू हुआ, छोटे से गाना शुरू किया, तो ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर राकेश शर्मा अजान, कोई अनजान कहने लग गए, कोई अजान की कुछ नहीं जाने, जान अजान पहचान, कोई कुछ भी कहने लग गया, कुल मिला के इस तरह से राकेश शर्मा अजान। तो ये अजान एग्जैक्टली है कहाँ पर, अजान थोड़ा बताएंगे? ये बांदीकुई से मंडावर के रूट पे बीच में 15 किलोमीटर आगे पड़ता है, बांदीकुई से 15 किलोमीटर आगे अजान, बड़ा गाँव ज्ञानपुरा है, वहाँ पड़ता है। राकेश जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आप किस किस वैरायटी के सॉन्ग्स गाते हैं, क्या कुछ पेश करते हैं, कहाँ कैसे क्या परफॉर्मेंस करते हैं? एक्चुअली परंपराओं से तो जो मुझे एनवायरमेंट मिला गांव में, गांव से, वो तो भजन का ही रहा जी। एक सत्संग पार्टियां होती है उस तरह से थोड़ा, फिर स्कूलों में कल्चरल इवेंट्स प्रोग्राम होते हैं, वहाँ से बढ़ता हुआ। पर मेरी जो सोच रही खुद की, मेरा बचपन से एक रुझान और एक अचीवमेंट करने का एक जो टारगेट रहा, वो ये रहा कि मैं संगीत को फील करना चाहता हूँ, उसमें एक्सपेरिमेंटल की गुजरात का संगीत क्या है, ये कर्नाटक के स्वर ऐसे क्यों लगे, ये पाश्चात्य कैसे क्यों लगे, इंडियन म्यूजिक में क्या है, ये वेद मंत्र ऋचाएं जो पढ़ी जाती है हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में जी, जी। तो ये इस तरह का, ये कौन सा सुर क्यों है, ये टोन क्या है, मतलब मेरा हमेशा हर तरह के संगीत के प्रति लगाव और रुझान रहा है जी, जी। तो मैं कोशिश हमेशा मैंने फील करने की कोशिश की कि शास्त्रीय संगीत में इतनी अलापचारी क्यों, भजन में अपने जो डिवोशनल भजन जो हम गाते हैं उसमें इतना बस एक भाव के तरीके से ही भक्ति के शब्दों को लिया जाता है, उसमें बहुत कोई वैरायटी नहीं की जाती, तो उसी मैं हर चीज़ को फील करने की कोशिश करता हूँ, एक्सपेरिमेंटल हमेशा मेरा रहता है दिमाग। अच्छी बात है राकेश जी, बातों का सिलसिला लगातार जारी रखेंगे, सवाल लगातार हमारे दर्शक देते रहते हैं, उनका सवाल भी लेंगे। एक इस बीच नगमा जरूर आपसे सुनना चाहेंगे, हमारे दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे क्योंकि हमने पहले ही उनको बता दिया था कि राकेश शर्मा जी आएंगे हमारे यहाँ पे, तो क्या कुछ सुनाने जा रहे हैं, शुरुआत एक कोई नगमे के साथ, कोई भजन आपको पसंदीदा हो आपके दिल के? मैं एक, मुझे लता जी की गजल बहुत पसंद है, एक्चुअली उसके शब्द बड़े अच्छे मुझे लगते हैं और जिस राग में हुए वो भी मेरी पसंदीदा राग है, तो मैं थोड़ा सा आपको गुनगुना के थोड़ा सा मैं एक स्थाई अंतर आपको बताता हूँ। अंधे को
राकेश जी, आपके थोड़ा सा बचपन के बारे में बताएं, आप कहाँ पले बढ़े, किस तरह से आप जयपुर आए, परफॉर्मेंस देने लगे, थोड़ा सा करियर के बारे में आप बताएं। एक्चुअली कहते हैं ना, एक छोटे बच्चे को जो प्रशंसा, लोगों की जो प्रशंसा होती है वो जितना उसको एक प्रमोट करती है, उसमें कुछ करने का जज्बा पैदा कर देती है, तो वो ही अक्सर मेरे साथ हुआ। बहुत बचपने से वो भगवान की देन है सब, संगीत के संस्कार वो ऐसे पढ़ते चले और लोगों ने जब प्रशंसा शुरू करना किया तो मेरे अंदर से एक हूँक उठने लगी, एक बात आने लगी कि मुझे बस संगीत में करना है। तो मैं कक्षा 8 में जब से पढ़ता था तो तब से मुझे लगा कि मुझे जो भी करना है, चाहे मुझे सर्विस लाइन में जाना है तो संगीत में जाना है, मुझे कुछ चाहे भजन सिंगर बनना है, चाहे क्लासिकल सिंगर बनना है, अबाउट कोई ट्रेनर बनना है, शिक्षक कैसा भी, एक्स वाई जेड, बस मेरा ऑल ओवर मुझे म्यूजिक में ही करना है, अबाउट थ्योरी भी प्रैक्टिकल भी सब, मतलब मेरा टारगेट कक्षा 8 के बाद से शुरू हो गया। तो किसने किसने प्रेरित किया, मतलब किसी को आइडल आप सोचते थे कि हाँ भाई, मतलब इस क्षेत्र में संगीत में रुझान आखिर कहाँ से पड़ा, क्या था, क्या घर परिवार में कोई संगीत? हाँ, घर परिवार में पापा जी भजन गाते हैं और गांव में एक थोड़ा सत्संग भजन पार्टियां जो होती है नॉर्मल, वैसे बस उससे एक माहौल से संस्कार पड़ा जी। फिर जो लोगों के प्रोत्साहन प्रशंसाएं ये जो मिलने लगी तो उनसे थोड़ा सा ऐसे रहा कि नहीं मुझे करना है, ऐसे चलता रहा सिलसिला। हमारे फिर हमारे संत हैं उधर, उस्ताद प्रेम स्वरूप जी, वो रामताराम संत हैं जी, तो वो अपने उधर मुल्तान पाकिस्तान साइड के हैं पर वो विभाजन से पहले उधर आ गए थे, तो उनका उनसे मैंने थोड़ा थोड़ा क्लासिकल सीखना शुरू किया। तो द्रुपद परंपरा में वो थोड़ा ख्याल की परंपरा ये सब सिखाते थे, तो वहां से मैंने थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू किया। और फिर मैं जयपुर आ गया, जयपुर पापा जी हम ले आए यहाँ, तो एडमिशन हमने म्यूज में ले लिया, फिर आगे डिग्री और पीजी वगैरह आगे, फिर म्यूजिक की यात्रा यहाँ से ओरिजिनली जयपुर से शुरू हुई जी। राकेश जी, बात लगातार जारी रखेंगे, एक और कोई नगमा, कोई प्रेजेंट कुछ सुनना चाहते हैं हम, खासतौर से आप डिवोशनल सॉन्ग्स भी गाते हैं, भक्ति के गाने गाते हैं, कोई ऐसा भक्ति का गाना सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों? एक जगजीत सिंह जी का एक है, मैंने मेरे वैसे गुरु जी से सीखा है, राजकुमार वर्दी से, ये रचना मुझे बड़ी अच्छी लगती है, डिवोशनल है, भक्तिमय है, राग मारवा में और रागों का मिश्रण है। कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियर जन बिना रे, जन
कब जो बन तब मान घना रे, कब जो बन तब मान घना रे, बीत गए दिन भजन बिना, भजन लाहे कारण मूल गवायो, लाहे कारण मूल गवायो, आज गुना गई मन की तृष्णा, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर कबीर कहत कबीर सुनो साधु, पार उतर गए संत जनारे, पार उतर गए संत जनारे, बीत गए दिन बिनारे, भजन वाह उस्ताद कहते हैं ना जैसे कि वाह उस्ताद बहुत खूब अच्छा। नहीं वास्तव में आप जिस तरह के गायकी कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे आपके नगमे हैं, आप जिस तरह से ये सुना रहे हैं, हमारे दर्शक लगातार इसको अच्छे सराह रहे हैं आपके इस परफॉर्मेंस को। आपसे आपने बताया जैसे 8th क्लास से आपने शुरुआत कर दी, इस क्षेत्र में मुड़ गए और लगातार आप संगीत की तरफ आपका रुझान रहा, आपसे ये जानना चाहेंगे कौन गुरु रहे आपके, किसके अंडर आपने ट्रेनिंग ली और रियाज को कितना घंटे आपने कितना समय दिया, किस तरह से आपका ये परवान चढ़ा सकें। देखो शुरू में तो संस्कार तो माँ बाप के डाले होते हैं कि उन्होंने मुझे छूट दी प्रोग्रामों में जाने की, सत्संगों में बैठने की, भजनों में बैठने की जी, तो वो तो अतुलनीय है। और फिर उन्होंने हमारे जो भी वहाँ नजदीकी हमारे जो संत थे, गुरु महाराज प्रेम स्वरूप जी गुरु जी थे, उनसे शुरुआती मेरी शिक्षा 2-5 ख्याल और थोड़ा वहाँ से शुरू हुआ, हल्का हल्का मैं जानने लगा। फिर जयपुर में आया तो मैंने संस्थान में एडमिशन लिया। वैसे तो कॉलेज परंपरा में एक स्टूडेंटों का सोच रहती है कि भाई चलो आप कॉलेज में लेक्चरार सिखाते हैं और हम गए और वहाँ सीख के आ गए बस, उनको गवर्नमेंट तनख्वाह देती है वगैरह वगैरह, पर हमने उस हिसाब से नहीं लिया। हमारे अब ये माँ बाप के संस्कारों को समझो या ऐसा कुछ भगवान की कृपा समझो, हमने जो हमें गुरु लोग सिखाते थे डॉक्टर प्रभा माथुर मैम और पंडित राजकुमार भंड जी, जिनसे मैंने लाइट म्यूजिक सीखा, जिन्होंने बहुत रियाज करवाया मुझे, तो संगीत संस्थान में 6-7 साल तक उन्होंने मुझे एक घर परिवार की तरह अपने बच्चे की तरह रखे। देखिए सिखाना एक फॉर्मल रूप में सिखाना अलग चीज़ होता है और एक अपनेपन का प्यार देने के साथ सिखाना जी, बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे एक अपनेपन का, मैं जब गांव छोड़ के आया जयपुर में एकदम अकेला, तो उन्होंने एक अपनेपन का प्यार देने के साथ जो मुझे रियाज करवाया हर तरीके से, आर्थिक रूप से एक संरक्षण, एक गार्जियन की तरह एक संरक्षण दिया मुझे, तो वो मैं कभी भूल नहीं सकता। और कितने घंटे रियाज करते थे आप, कैसे रियाज समय निकालते थे? रियाज तो वैसे तो क्लास में हो जाता था 3-4 घंटे जी, उसके अलावा जो होमवर्क मिलता था रियाज का वो घर भी करते थे, बाकी मैंने स्पेशली 9-10 घंटे भी रियाज किया है कंटिन्यू कंटिन्यू कई कई दिन तक, साल दर साल, मतलब
इस तरह से रियाज का शौकीन रहा हूँ। और मेरा तो रियाज करने का ऐसा था कि मैं चलता चलता भी रियाज करता था। कई बार ऐसी धुन लगती थी, हाथ से ताल लग रही है, कोई सरगम नोटेशन आ रहा है दिमाग में, मेरी तरफ सड़क पर चल जाते, लोग देखने लग जाते, ऐसे देखने लगती, फिर मुझे एकदम समाधि से निकलता ना, ये क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, फिर लगा कि मैं ये ताली फटके कर रहा था कुछ गा रहा सही था, है, इसलिए सही उनको अजीब लगा। तो रियाज का और मतलब कुछ करने का एक जज्बा अभी भी है, और कुछ है करना चाहते, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ करना है, रियाज भी करना है, सीखना भी है, सब कुछ है। जी। राकेश जी, फिर से मैंने कहा सवाल लेते रहेंगे, बीच बीच में आपके गाने भी सुनते रहेंगे। तो आपके भजन जो गाते हैं, जगजीत सिंह हुए या गुलाम अली जी हुए, आपका अनूप जलोटा जी हुए, कौन का आपका ज्यादा तो आइडल रहेगा भजन, उसमें? हाँ भजन, वैसे तो क्लासिकल टच से बहुत सारे सिंगर हैं जो गाते हैं। गुलाम अली साहब का गजल में कोई जवाब नहीं है उनका, वो अपने आप में एकल है, शीर्ष पे है। और अपने जो हरिहरन साहब भी वर्सेटाइल सिंगर हैं, जिनका जी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका। पर भजन जो एक बिल्कुल सीधा भगवान से जोड़ दे, एक आध्यात्म में या डिवोशनल एकदम आदमी को जो डुबो दे, जिसमें कोई बहुत ज्यादा इधर उधर तान मुर्की खटका का नहीं, एक सहज भाव के साथ, मुझे अनूप जलोटा जी का बहुत पसंद है और मैंने उनको सुना भी खूब है। मतलब उनकी जो फीलिंग है एक, वो मुझे कनेक्टिविटी देती है, जैसे भगवान से जोड़ने की, कहा एक सहज प्रवाह से जो वो गाते हैं, तो उसको भी मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश की। मैं जैसे थोड़ा सा जरूर एक इसका जरूर, यंत्र थोड़ा अनूप सा जलोटा का आप मैं थोड़ा सरगम से शुरू करता हूँ। सागा मा पगा मा सागा जने सागा मा नी पगा नी पगा नी पगा सागा मा पनी पनी सानी पनी पगा पगा मा सागा मा पगा मा सागा जने सागा मा पगा वो काला इक बांसुरी वाला, वो काला इक बांसुरी वाला, सुधी बिसरा गयो रे, सुधी बिसरा गयो माखन चोर जो नंद किशोर हो, माखन चोर जो नंद किशोर कर गयो मन की चोरी रे, सुधी बिसरा पनघट पे मोरी बैया मरोड़ी, मैं बोली को मेरी मन की, मैं बोली तो मेरी मन की थोड़ी, मैया करो करो विनती मैं मैया करो विनती में पर माने नाइक वो मोरी रे, सुधी बिसरा गयो भजन। तो अपने आप में एक अलग ही अनुभूति देता है, हाँ। और रॉक म्यूजिक हुआ, अलग अलग तरह के फिल्मी म्यूजिक हुए, लेकिन अभी भी भजन तो अपने आप में एक अलग ही तरीके का ये म्यूजिक है। और जाहिर सी बात है, दर्शक बहुत इसको एंजॉय कर रहे हैं, और बहुत कम हो गया है भजन सुनना। और आप जैसे लोगों ने
भजन को गाते हुए इसको बरकरार रखा है, ये बड़ी बात है। आप इस तरह से आप भजन का आगे बढ़ा रहे हैं। एक और नगमा सुनना चाहेंगे, कोई जगजीत सिंह का या कोई जाना माना कोई संगीत, कोई म्यूजिक इस तरह का, कोई भजन हो जो आपके दिल के आपको ध्यान आ रहा हो इस तरह का? मैंने थोड़ा सा मैं सुनाना चाहूँगा। वैसे तो बहुत लोग जो मुझसे जुड़े हैं फेसबुक से और वैसे भी जो मुझे जानते हैं पर्सनल, जी आज वो मेरी एक निजी पहचान बन चुकी है। जी पर हम आपके स्टूडियो में आए हो तो मुझे लग रहा है कि आपको भी मैं वो जी थोड़ा जी सा मैंने जरूर प्रयोग जरूर, किया सरों को लेकर, बहुत अलग बढ़िया, अलग संगीत को लेकर। जरूर जरूर, तो मैं आपको थोड़ा सा वो कुछ अपना एक्सपेरिमेंटल थोड़ा बिल्कुल सा सुनाना बिल्कुल चाहूँगा। जरूर। जैसे मैं एक थोड़ा सा ठुमरी का आइडिया लेकर मैं उसका एक्सपेरिमेंट करता हूँ। शब्द कम होते हैं, विविध भाव से दिखाने का एक तरीका होता है। शाम बिना तुझ बिना मोहे कछु ना भावे, मैंने देखा जो ध्रुपद गाते हैं तो उनमें थोड़ा सा गमक का प्रयोग करते हैं। एक गमक का प्रयोग इस प्रकार का उसमें होता है। थोड़ा सा जैसे मैंने गुजराती संगीत को सुना था, थोड़ा सा ऐसा कुछ फीलिंग आता है उसका, एक जैसे गाना झूल रहा है एक आंदोलन में। साउथ म्यूजिक का सरगम थोड़ा सा हमारे उत्तरी भारतीय में गाएंगे, दसरे गारे सदा बदा दसरे बगारे सा तरे में बदा बगरे सादरे हजा बाबा। अब इसी को साउथ में कुछ ऐसा दसा सा रे 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 दा द प ग प प द प द ग प ग रे वसुते वसुता मदे वमकंस चाणूर मर्दनु देवकी परमानंद मबंद कृष्ण जगत गणपति बजम दरि सारे सदर सग उसमें एक्चुअली गमक का प्रयोग थोड़ा सा ऐसा होता है। वेस्टर्न म्यूजिक में हल्का सा जैसे बिल्कुल साफ सुथरा फुल फिल ऑफ फीलिंग जैसे स्वरों को लगाने का तरीका। सतरा
ऐसे मेरा थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा रहा है मेरा कि मैं हर तरह के संगीत को सुन के उसको थोड़ा फील करके एक्सपेरिमेंटल माइंड से। बहुत बढ़िया, आपने कितनी वैरायटी सुनाई है और जाहिर सी बात है हम उम्मीद करते हैं हमारे दर्शक बहुत इसको लाइक कर रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं, और आपने तरह तरह की प्रस्तुति दी और आपके मनपसंद भजन भी सुनाए हमारे दर्शकों को, लगातार अच्छा लग रहा है। और इसी तरह से आप इस विधा को आगे बढ़ाएं और इसको आपने संभाल के रखा हुआ है, और हम इसी उम्मीद के साथ कि आप आगे सफलता आपको लगातार बरकरार रहे, आप सफलता आपके कदम चूमे, और इसी उम्मीद के साथ इतनी शुभकामना के साथ पत्रिका टीवी की टीम आपको शुभकामनाएं देती है। और फिलहाल आज के लिए इतना ही, और तो ये थे राकेश शर्मा अजान जी, और उम्मीद करते हैं कि ये इसी तरह से आगे इनकी सफलता इनको मिलती रहे, और हम आपके लिए ऐसी ही शख्सियतों से रूबरू करवाते रहेंगे जो अपकमिंग टैलेंट है और इन जिनको मंच मिलना बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए, और इसी तरह से हम एक और शख्सियत से रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।